साहू जी आप कहाँ से आई हैं? जिला झांसी से, ब्लॉक बड़ा गाँव। तो आपके क्या मांग है, किन मांगों को लेकर आप यहाँ जंतर मंतर आई हैं? हम इसलिए आए कि अभी तक जितना काम करते हैं हम लोग, तो ना ही दिन देखते ना ही रात देखते हैं। बच्चों की परवरिश, माँ की परवरिश डिलीवरी के लिए रात हो या दिन हो, कितने समय भी हो, तो हम लोगों को जाना पड़ता है। एम्बुलेंस भी मिल जाती कभी कभी कभी, वो भी लाइफ टाइम आती, तो हम लोग कोई मैं टू व्हीलर वगैरह से मतलब डिलीवरी ले जाते। उसकी जिम्मेदारी पूरी आशा के ऊपर है, कुछ हो जाएगा तो आशा के ऊपर रिस्क आएगी। लेकिन हम लोगों को तो मतलब ऐसे खुला पैसा मिलता है, उन्हें कहीं 50 रुपये इसके हैं, 100 इसके हैं, 150 इसके हैं, तो हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें तो वेतन चाहिए। और हम हैं संगनी, तो संगनी का काम अब ये कर दिया 2013 से कि 20 आशाओं का रिकॉर्ड रखना है संगनी को, कि महीने भर में आशा ने क्या क्या काम किया, कितनी बजट की आशा ने, और कौन आशा कितना काम कर रही है, कौन आशा कितना, उस पर हमको नंबर देने पड़ते हैं कि कौन आशा 6 से 10 कार्य में सक्रिय है, कौन सी आशा नहीं है, तो उसका पैसा मिलता है। इसलिए हमारी आशा बहनों का भी वेतन हो जाए और हम लोगों का भी वेतन बढ़ा दिया जाए। यहाँ पर जो आप आए हैं, आप किस माध्यम से आए हैं, आपको यहाँ लाने वाला कौन है, कौन सा संगठन है? हमारा यूनियन संगठन है, हाँ यूनियन आशा संगठन यूनियन। यहाँ आंगनवाड़ी की बात कर रहे हैं, आशा वर्कर की बात कर रहे हैं, ये संगनी की बात कर रहे हैं, तो आप जो यहाँ आए हैं किस माध्यम से आई हैं, किस संगठन के माध्यम से आई हैं? आशा संगठन के मतलब से आए हैं, आशा एवं संगनी संगठन के। इसमें सब वर्कर ही हैं, किसी को पेमेंट तो मिल नहीं रहा है, वर्क ज्यादा है, तो इसमें सब वर्कर ही है ना, क्योंकि जो है पैसा पेमेंट तो मिलता नहीं है, बस जितना काम है उतना ही पैसा है, इसलिए सब वर्कर ही हैं यहाँ पे। कि मतलब हम लोगों को बहुत परेशानी है, ना डॉक्टर साहब कोई महत्व देते हैं, ना कोई मतलब गांव का महत्व देता है, और बस डिलीवरी हो तो रात हो या दिन या बरसात, तो हमको जाना पड़ता है। जब मतलब उसके पेट में बच्चा है तब से हम उसकी रखवाली करना पड़ती है, जब तक वो 5 वर्ष का ना हो जाए बच्चा, तो हमें इस हिसाब से कुछ नहीं मिलता है, मतलब हमारा खर्च ही नहीं निकलता है, घर का खर्च तो निकलना मुश्किल है, हमारा किराया ही खर्चा नहीं निकलता, तो हमें इसमें कोई फायदा नहीं है। तो हमने सोचा कि मतलब हमारा मतलब हम लोगों को वेतन हो जाए तो और बढ़िया है, लेकिन आज आए तो इधर कोई सुनाई नहीं हुई हम लोगों की, हम लोग की कोई इज्जत नहीं होती है, वो कहते हैं कि आशा है कोई महत्व नहीं है इनका। सर हम लोग इतना डिलीवरी करवाते हैं, इतना मेहनत करते हैं, दौड़ धूप करते हैं, और इसका कोई कुछ उससे कोई लेना देना नहीं है, ये कहते हैं सिर्फ आशा एक वो है बस, और इसके आगे कुछ नहीं है, एक मतलब केवल एक प्राइवेट तरीके से रखा गया है बस। और आपकी मांग क्या है, आप किन मांगों को लेकर आई? हम इन मतलब हमने ये कहा कि हमें कुछ नहीं मिलता तो कम से कम 18,000 तो मिलना ही चाहिए, हम लोगों को तनख्वाह हो जाए, मतलब मानदेय तो कुछ नहीं है, उसमें कुछ नहीं मिलता है, कर्मचारी घोषित हो जाए उतनी बहुत है, 15-20 हज़ार हो जाए बहुत है, लेकिन अभी हम लोगों को 2-3 साल से धरना कर रहा है, कुछ मिला ही नहीं है। मेडिकल जाते डिलीवरी कराने तो वो बुरी तरह से वो भगा देते कि निकलो बाहर, बड़ी आशा बन गई, बुरी तरह से भगा देते वो हम लोगों को, मतलब हम लोगों की कहीं इज्जत भी नहीं करते, और मतलब ना कोई पैसा मिलता, और काम इतना है कि ना इतना NM करती है और ना कोई वर्कर करता है। जब आपको आशा में रखा जाता है तो क्या आश्वासन दिया जाता है आपको? अब आश्वासन तो ये है कि नहीं तुम्हें बहुत पैसा आता है, सरकार की तरफ से बहुत मिला है, मिलेगा, बहुत पैसा आया है, लेकिन हम लोगों को कुछ नहीं मिलता। मैडम आपका नाम? मेरा नाम गुलाबा देवी है। गुलाबा देवी जी आप कहाँ से आई हैं? मैं तो दिल्ली से आशा वर्कर हूँ, दिल्ली कल्याणपुरी से। तो हम चाहते हैं कि हमें सरकारी वेतन मिलना चाहिए, और सरकारी राज्य कर्मचारी होने चाहिए हम, क्योंकि हमें इन सर्टिफिकेट बेस पे ही रखा गया है सिर्फ, और कोई तनख्वाह नहीं। आज 10 साल से हम लोग आशा में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई वेतन नहीं दिया जाता है, सिर्फ इंसेंटिव बेस पे ही काम करते हैं हम लोग, तो हमें सरकारी वेतन मिलना चाहिए और सरकारी पद पे रखना चाहिए। अभी आंगनवाड़ी वर्करों ने 53 दिन से स्ट्राइक पर हैं, हड़ताल कर रही हैं, और LG साहब ने उनकी जो तनख्वाह बढ़ा दी गई है, तो क्या कारण है कि आशा वर्कर की उन्होंने तनख्वाह नहीं बढ़ाई? अब उन्होंने मांग की तो सरकार ने उनकी मांग स्वीकार की, और हमारी आशाओं ने पहले भी दिल्ली में अभी 2014 में मांग करी थी, तो हमारी 500 से 1000 रुपये मांग, सिर्फ 1000 रुपया सिर्फ वेतन करा उन्होंने, लेकिन सरकारी मिलता वेतन रुपये वो भी नहीं है, सिर्फ 1000 रुपया वो भी कह दिया है, अब मिलता नहीं है किसी को। हाँ वो पैसा कहाँ जाता है, क्यों नहीं मिलता, क्या कारण है वो पैसा का? अब ये तो सरकार ही जानती होगी कहाँ जाता है वो पैसा, हम लोगों का कोई वेतन नहीं है, सिर्फ इंसेंटिव बेस पे हम काम करते आ रहे हैं। कभी कभी दो महीने बाद मिलेगा।
जाता है, कभी 3 महीने बाद में बाबू खा जाते हैं, पता नहीं वहाँ पे स्टाफ से कौन खा जाता है, कभी कभी कुछ देते कभी कुछ देते नहीं है। और मेहनत इतना करते, बच्चों का पूरा ही नहीं होता हम लोगों का, हम लोगों बच्चों का कभी पूरा नहीं। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उनको अच्छी तरह पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, घर का खर्च कैसे चलाऊंगी बताओ। आशा के लिए मैं 10 साल 11वीं साल चल रही है मेरी, तो अभी मैं पूरा नहीं कर पा रही। मेरे हस्बैंड को मारे कम से कम 7 साल हो गए, मैं आशा में थी जब से मैं आशा के ऊपर है, लेकिन जब इतना पैसा नहीं मिलता तो मैं बहुत परेशानी। मेरा बच्चा है वो ट्यूशन पढ़ा के काम करता है और मैं भी कुछ पूरे नहीं कर पाती, इसलिए हम लोगों को कम से कम 10,000 की वेतन तो मिलना चाहिए। सरकारी राजकर्मचारी घोषित करने मुझे कुछ हो जाए, मेरे बच्चे का कौन होगा फिर, और बच्चा है और अगर मैं मर जाऊंगी तो मेरे बच्चे बिल्कुल अनाथ ही हो जाएंगे, इसलिए कुछ सरकारी वो जब राजकर्मचारी मैं घोषित हो जाऊंगी तो उसके लिए बच्चों को कुछ आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसे कैसे मिलेगा। एक आशा मर गई तो उसके लिए कुछ नहीं हुआ, उनने दूसरी आशा रख ली, लेकिन अगर मेरे बच्चे फिर मेरे बच्चे को कहाँ से मिलेगा, ऐसा भी तो हो सकता है। जब आप लोगों को आशा वर्कर में रखा जाता है तो क्या कोई इनकी डिमांड होती है, कोई लिखित में दिया जाता है आपको? जी हाँ, डिमांड होती है, डिमांड इनकी 27 डिमांडें हैं, जो 27 डिमांडें हैं और 27 डिमांडों पे हम लोग कार्य भी करते हैं। कुछ कार्य जो हमें प्रशिक्षित नहीं किया गया उसे छोड़कर बाकी कार्य हम लोग करते हैं, लेकिन हमारे कार्यों का पैसा नहीं मिलता, अतः इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमें राज कर्मचारी या केंद्र कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। और मैं डेली पता चलता है, हमें सरकार कहती है कि आपको जो 5,000 मंथली बन रहा है पर मंथ आपके काम के ऊपर, लेकिन पता चलता है कि हमारे खाते में 1,200-1,000 भी नहीं आता है। और मैं हम लोग चाहते हैं कि हमारा सहयोग मिले सरकार से और हमें केंद्र कर्मचारी सरकारी कर्मचारी चौथे दर्ज रूप में दिया जाए हमें, और हमारे हमारे पास ज्ञापन भी इनके लिए है। और हम लोग शुरू जब माँ गर्भवती होती हैं तब से लेकर और पूरे 5 वर्ष तक बच्चों की देख रेख करते हैं, हम तो उनके बच्चों को पालते हैं, वो जच्चे बच्चे की जान बचाते हैं, लेकिन हमारा जान कौन बचाएगा। हम लोग दिन रात करते हैं, मेहनत करते हैं, रात की जी भी करते हैं, हमारे बच्चे खाना नहीं पाते क्योंकि मैं माँ हूँ, और माँ जब 24 घंटे की ड्यूटी बाहर करेंगी तो फिर बच्चे खाना कहाँ से पाएंगे, और हमारे बच्चे खाना नहीं पाते हैं समय पे, और फिर उनके लिए हम कुछ जब नहीं दे पाते तो हमारे बच्चे ताना भी मारते हैं। आप समाज सेवक हैं क्या, आप डेली समाज सेवक में जुटी रहिए, और हम लोग इसी तरह जैसे सबके बच्चे कुपोषित हो रहे हैं हम लोग भी कुपोषित हो जाएंगे, तो या हमारे बच्चों के ऊपर भी समस्या है, और उनकी इलाज के लिए पैसा भी, जब हमें पैसा ही नहीं मिलेगा, दिन रात हम बाहर निकले रहेंगे, घर में भी कुछ वर्क नहीं कर सकते हैं, तो हम अपने बच्चों का इलाज कैसे करवा सकते हैं, अपने फैमिली का इलाज कैसे करवा सकते हैं। हमारी तमाम समस्याएं हैं जो कि हमारे सरकार को सुनना चाहिए, हमारा कष्ट देखना चाहिए, लेकिन सरकार पता नहीं कहां से आंख बंद की हुई है। चूँकि भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में 120 दिन की टाइम ली हुई थी, लेकिन आज तक नियमित मानदेय करने के लिए आज तक कोई भी मानदेय नहीं की है भाजपा सरकार। और केंद्र सरकार आए दिन समाचार सुनने में मिलता है कि कभी 10,000 आपका मानदेय बनेगा, कभी कुछ, लेकिन आज तक कोई भी निर्णय सामने नहीं आया, और बातें काफी होती है, काम इनका कुछ नहीं दिखता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो है हम लोग इसीलिए धरना प्रदर्शन किया गया है कि हमारी मांगे पूरी की जाए। आपकी यूनियन क्या आपसे वादे कर रही है? हमारी यूनियन वादे कर रही है कि हम संघर्ष जारी रखेंगे, और जब तक यहाँ से कुछ हमें नहीं मिल जाता है तब तक हम धरना यहाँ से नहीं उठाएंगे। जो यूनियन के जो पदाधिकारी हैं ये आशा में काम करते हैं या इनका अलग से एक यूनियन है? नहीं, हमारे संघर्ष में जो मैं अपना बैनर पोस्टर दी हूँ, इनमें मीरा सिंह हमारी ऑल इंडिया आशा अध्यक्ष हैं और आशा बहु अध्यक्ष हैं, चूँकि वो आशा में काम करती थी, चूँकि 2 साल से संगनी रूप मतलब आशा संगनी के रूप में वो हो गई है, इसलिए वो भी क्षुब्ध हैं बेचारी, वो भी अपने बच्चों के लिए परेशान रहती हैं कि हमारे बच्चे क्या पढ़ेंगे लिखेंगे खाएंगे पिएंगे, और वो भी बेचारी परेशान है। हम लोग एक मतलब कमजोर वर्ग के औरत हैं, और सरकार हम लोग को कुछ बना देगी तो उनके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं।